आज बनाएंगे एग फ्राइड राइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए रेसिपी देखते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 बड़े चम्मच तेल लेंगे, ज़ीरा 1 छोटी चम्मच, 1 प्याज कटी हुई। प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए सौते कर लें। सौते करते समय करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। अब अच्छे से सबको फ्राई कर लें। प्याज को अच्छे से सौते करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें 1 चम्मच। इसके बाद 1 टमाटर काट कर डालें। टमाटर में नमक डालें। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लें। प्याज और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, अब इनमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मसालों को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें अंडे डालेंगे। मैंने यहाँ पे 6 अंडे लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इन्हें कढ़ाई में डाल दें। एग्स को हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अंडे की भुर्जी तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें पका हुआ चावल मिलाएंगे। चावल में नमक डालें, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और धनिया पत्ती। चावल को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। फ्राइड राइस हमारी तैयार है, गर्मा गर्म इसे सर्व करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।